मदपुरी सौ पूर्व दिश महर्षिनि को धाम प्रजापाल उद्धान ऋषि हैं भूपति सुज्ञान। प्रिय सज्जनों, अयोध्या के पूर्व दिश में एक बड़ा सुंदर ऋषियों का स्थान, वहां पर एक महान ऋषि उद्धान रहते थे। कैसे थे ये? है भूपत सुज्ञान सुनो दे ध्यान बड़ी प्रभुताई, हाय चंद्र कलासी दुलहिन रे के भूपक भैया ब्याई। अरे भूपको ब्याई भूपको ब्याई भूपको ब्याई ददा मेरे ब्याई। अरे चंद्र कलासी दुलहिन रे उद्धान ऋषि को ब्याई। और थी दशरथ की बहन थी दशरथ की बहन करूं मैं शेन जो आज की जाई है आज की जाई। अरे चौथो पुन गवाय रे संतान ऋषि ने पाई। अरे होनहार सो होई के मिटे मर दो सुन ले वारज हमारी गाई। अरे आज भावा जी तीरे राजा पे यारो ध्यान बिसर ना जाई। और अरे बुढ़ापे मेरे मेरे भैया रही याद औलाद सताई। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे तू बढ़ रही है। भैया याद रखना नौजवान साथियों, महाराज उद्धान ऋषि के लिए महाराज दशरथ की बहन चंद्रकला ब्याई थी, जो राजा आज की बेटी है। लेकिन अफसोस की बात एक है कि चौथा पन आ चुका है उद्धान ऋषि और चंद्रकला का, भगवान ने कोई इनको औलाद नहीं दी। और एक बात और भी है, क्या? याद बिछड़े साज की आती है याद गाने के रोज। याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज। याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। और बताऊं नारद, परदेशों में आ जाते हैं बिछड़े हुए मकान याद। याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। सुख में बहुत आती है बिछड़ी हुई दुल्हन की याद। याद बिछड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज। याद बिछड़े भैया की दुश्मन के सतराने के रोज। और याद हा
आधार मिट जाता है अपना रूप मिट जाने के रोज। आधार मिट जाता है अपना रूप मिट जाने के रोज। याद बिछड़े साधु की आती है यार गाने के रोज। बेड़े सच बात तो यह है कि बुढ़ापे में औलाद की याद अपना रंग दिखा देती है। महाराज उद्धार ऋषि और चंद्रकला दोनों बैठे हुए कोने में कहने लगे कि हे पिया, रोकर के बोली है कि ऐसा हमने कौन सा पाप किया जो हमारे कोई औलाद नहीं हुई। महाराज उद्धार ऋषि कहने लगे, हे प्राण प्यारी, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने ऋषियों को सताया हो, ब्राह्मणों के धन को छीना हो, गाय ब्राह्मणों की हत्या की हो। क्यों जाने किस गरीब को हमने सता दिया, जिसके बदले में हमें भर के सिकम रुला दिया। जिसके बदले में जाने किस गरीब को हमने सता दिया, जिसके बदले में हमें भर के सिकम रुला दिया। जिसके बदले में हमें हो सकता हमने किसी गरीब की आत्मा को दुखा दिया हो, इस जन्म में भगवान ने वो प्रायश्चित करने का हमें वक्त दिया है। चंद्रकला कहने लगी, पिया बात तो सच है, लेकिन अब क्या होगा, हमारे आपके जीवन में तो अंधकार के अलावा कुछ है नहीं। एकदम से उद्धार ऋषि कहने लगे, हे प्राण प्यारी, एक अकल मेरा फैसला शायद आपकी अकल में आ जाए, क्यों मेरी अकल का फैसला तो बिल्कुल सच है। क्या कि ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब कुछ मिथ्या है, ये सब गरीबों को बांट दिया जाए और जंगल में चल के भजन करना चाहिए। जो चंद्रकला ने ये शब्द सुने हैं, चंद्रकला कहने लगी, पिया ये तो तुमने मेरे हित की बात बता दी है, अरे धन 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 स्वामी प्राणनाथ पति प्यारे, जो गूढ़ ज्ञान के साने तुमने वचन अरे उचारे, चलो अब धरे उदासी भेष, ओ बन में करिए भजन छोड़ दे स्वर्ग तुल्य देश। अब तो प्रभु को करिए भजन के चल जंगल में जोगिन बन, अब तो प्रभु को करिए भजन के चल जंगल में जोगिन बन, जंगल में जोगिन बन के हा जंगल में योगिन बन, अब तो प्रभु को करिए भजन के सैया। चंद्रकला कहने लगी, महाराज ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, उसी समय महाराज उद्धार ऋषि जो हैं सारी दौलत को लुटाने लगे, भिखारी दरवाजे पर आने लगे, सारी दौलत को लुटाने के बाद ये निर्जन वन में पहुंचे और क्या किया, दोनों बैठ गए, बलकर वस्त्र धारण कर लिए। अरे बलकल वस्त्र जब धार के मन को मार बैठी है भाई, पति पत्नी पति पत्नी दोनों ने अचल अरे समान तो दादा लगाई, अरे समाधि लगाई समाधि लगाई समाधि लगाई समाधि लगाई, पति पत्नी
दोनों मिलके रे के समाज वाले लगाई। ए धरो वरुण को ध्यान सुनो दे ध्यान सभा के भाई सुनो दकान सभा के भाई जांगन में फूटी और डाबरे के ऐसो ध्यान लगाई। अब तन में दीमक लग गई रे के ऐसो ध्यान लगाई। मेरे याद रखना भाइयों, आज अचल समाधि लगा करके चंद कला उद्धार ऋषि बैठे हुए हैं। अब भगवान का ध्यान न करके वरुण का आवाहन करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने वरुण का ध्यान क्यों किया, जब भजन करने गए तो प्रभु स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान करना चाहिए। लेकिन इष्ट अपनी श्रद्धा पर है, इष्ट अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। उनकी श्रद्धा वरुण महाराज में इस तरह लिपायमान हुई कि आज कितना समय हो गया एक आसन पर बैठे। अरे जब अचल समाधि लगाई है दे चौदह साल बिताई तुरत घुमाई है। अरे वरुण रहे अब आई है जब स्वर्ग से आवाज आई इस तरह की तबाही क्यों सह रहे हो तुम। जो उद्धार ऋषि ने अपनी निगाह को घुमा के देखा तो सामने वरुण प्रकट हो गए और कहने लगे हे भक्तों, तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर हम बड़े ही प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। भगवत प्रेमियों, उसी समय उद्धार ऋषि और चंद्रकला वरुण के चरणों पर गिर पड़े और चंद्रकला हाथ जोड़ के बोली, मेरे दो नैना गए पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। मेरे दोने ना से गए फूट पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। चौथोपन गौ बीत नाथ संतान नजर नैयाई रे। अरे पुरवासिन के सन्मुख कैसे मुख में सकू दिखाई रे। जाइयास में वरुण देव लाओ तुम से ध्यान लगाई रे। हे प्रभु, मैं गांव के सामने मुंह नहीं दिखा सकती। उद्धार ऋषि रो करके बोले हैं, हे वरुण देव, त्राहिमाम के तो देवालाद नाथ नहीं जगत ले उठाई रे। मैंने कौन से कर्म तो करे नाथ ना पूछ सके हम पाई रे।
या तो महाराज हमें औलाद दीजिए, अन्यथा मुझे संसार से उठा लीजिए। वरुण देव कहने लगे, उद्धार ऋषि, अगर औलाद के लिए तुमने अपने शरीर को तपाया है तो मैं तुम्हें औलाद दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? चंद्रकला कहने लगी, प्रभु आप मांगो तो हमारा शरीर भी आपका है। वरुण कहने लगे, शरीर तो नहीं चाहिए लेकिन शरीर के कुछ अंग चाहिए। कहने लगे, बताओ महाराज, बोटी बोटी करके आपके सामने चमड़े को डाल दूं, इस आधम शरीर का होगा क्या? तो वरुण जी कहने लगे, सुनो, अरे हम तो तुम्हें औलाद आबादे में सूरत लगाई, पर चलते समय तो हमको दे दे थोड़ी अरे विदाई, महाराज भक्त जी करो पूर्ण मम पैन, तुम दोनों मिलके निकाल के दे दो अपने नैन। भैया इतने सुने जो बेन पेट में पानी हुआ है, भैया सुने वरुण के बेन पेट में पानी हुआ है, पानी हुआ है पेट में जारो हुआ है, यारो सुने वरुण के बेन पेट में औलाद चाहिए। अगर औलाद के लिए तुम इतना लंबा संयम करते हो तो हम तुम्हें औलाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम दोनों अपने नेत्र निकाल के मुझे दे दो। दोनों चकोर बन के वरुण जी की मुंह की तरफ देखने लगे, कहने लगे, प्रभु मेरी आंखें? हां, आंखों में आंसू भर के चंद्रकला कहने लगी, मैं आंखें तो अपनी दे दूंगी, लेकिन फिर मैं अपने बेटा को देखूंगी कैसे? वरुण कहने लगे, पुत्र को तुम दोनों देख तो नहीं सकते हो। उद्धव ऋषि कहने लगे, महाराज ऐसा कौन सा पाप किया जो अपने चचूं से अपने मांझ के लोथड़े को ना देख सकूं? जवाब दिया, सारे पापों की कहानी अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो हो सकता है कि तुम दोनों अपने प्राणों को छोड़ दो। पूर्व जन्म के कुछ भयंकर पाप हैं जो तुम अपनी संतान का मुंह नहीं देख सकते। उद्धार ऋषि कहने लगे, चंद्रकला, अरे बेटा के बेने गादी बिल्कुल सुनी, बेटा के बेने आंगन बिल्कुल सुनो, और सुनो है अमावस पूनो, अरे दुख काए को बढ़ाई रही गोरी दूनो, अरे देवकार ने नहारे दोनों। दुनिया की कहानी मत बढ़ाओ देवी, पुत्र के लिए अपने नेत्र निकालो तुम, मैं निकालने के लिए उद्दत हूं। और हिलक की भर गई चंद्रकला की मदद, सुन लो अर्ज हमारी, और उसी समय बपति व्रता ने दोनों ने ना दिए निकारे, उद्धान ऋषि ने भी बेर पंचाय अपनी अखियां धरी समारी, और अंतर ध्यान वरुण जी हुई है बाजा पे तिलक गए थे आधारे, समय दोनों नेत्र निकाले हैं चंद्रकला ने और ऋषि उद्धान ने, न जवाब बनो इन दोनों पर
एक दूसरे से वो न बोले। राठौर घड़ा पे बैठ गए, पथी रह गए ते चोंच खोले। राठौर घड़ा बैठ सक गए, पथी रह गए ते चोंच खोले। आधार बाजा पे बिलख गए, पक्षी रह गए ते चोंच खोले। याद रखना दोस्तों, जिस समय दोनों त्यागियों ने अपनी आंखें निकाली हैं, उस समय देखने वाले भी कांप गए और इतना भारी गम हुआ कि पक्षी अपनी चोंच को खोले हुए रह गए। वरुण जी चले गए। इधर दोनों ये अंधा और अंधी किसी तरह से अपने महलों में आ गए। जिस समय ये महलों में आए हैं, तो याद रखना भगवत प्रेमियों, समय के अनुसार ये दोनों क्रियाशील बने रहे। और यहां तक है कि महारानी चंद्रकला गर्भवती हुई। और वक्त जब आया, दिन गिनत बीते मास न होने लगो उत्सव नयो। श्रावण सुदी पूनो के दिन अवतार श्रवण को भयो। इनकी कोख से श्रवण कुमार सावन सुदी पूनो के दिन पैदा हुए। उद्धान ऋषि कुश हुए के अब तो धन और माल लुटाए। गोदान दिए कोटिन दुज राजत द्वार में ददाज माए। महाराज दान नितु ऐसो भारी हो तू, ओ निर्मुख को इन जात भिकारी लेते हैं दो। मेरी हम जोली मेरी भाईली घुटुअन बेटा चलन लगो। जगी सूरत पे हुई रे बलिहार। मेरी हम जोली घुटुअन सरवण चली भाओ है। जगी सूरत पे हुई रो बलिहार। मेरी हम जोली घुटुअन बेटा बेरे। याद रखना दोस्तों, धीरे धीरे श्रवण घुटुअन चलने लगे। और जब श्रवण कुमार की 5 वर्ष की उम्र होती है, तो इनको गुरुकुल में पढ़ाने के लिए बिठा दिया। जिस समय ये गुरुकुल में पढ़े हैं, तो एक बात और बताता हूं। वैसे शास्त्रों में लिखा है कि माता निर्माता भवती, मां ही बच्चे का निर्माण करने वाली है। और ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? माँ के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान प्रथम गुरु कोई नहीं है। क्यों? ए जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। माँ
के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान आधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता, लेकिन माँ के बाद गुरु का दर्जा। भाई और ध्यान रखना, जिस समय श्रवण कुमार पढ़ने लगे हैं तो गुरु ने प्रथम क्या पढ़ाया, मात पिता को बंद कर हो मन में अनुकूल, ओम प्रथम उच्चार्य है वेदन को मूल। पहले माता पिता की वंदना करवाई। ओम ईश्वर को नाम भूलियो मत इसको सुज्ञानी, और थी गणेशा पढ़ो याद लिख नहीं ये प्रेम निशानी। ओलम बारे करी पड़े से शुद्ध निकलती बानी, और गिनती ग्यारह की नित बोला तो करो महान। प्रथम उन्होंने वंदना जो करवाई है वो माता पिता की, तो श्रवण कुमार ने अपने गुरु से पूछा कि हे प्रभु प्रथम ये पढ़ाई कौन सी है आपकी। जवाब दिया, माता पिता तो प्रथम है। आज श्रवण कुमार इस तरह से पढ़ने में बहुत ही दक्ष हो जाता है, और दक्ष होने के बाद भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, जब ये घर आया तो इसकी शादी का इंतजाम, शादियां आने लगी, आखिर राजा का लड़का। तो हुआ क्या, बड़ा ध्यान देना, कुछ दिन ऐसे बीते नहीं अब भाई ती दादा सगाई, तब कंचनपुर से ये करे टीपनी भैया आई। महाराज केसरी सिंह भूप है नीक, और ताकि श्यामा बती जो कन्या से तो विधि अब ठीक। भैया याद ऋषि ने लला की वहां से शादी रोकी है, भैया याद महात्मा ने बेटा की शादी रोकी है, यारो याद महात्मा ने श्रवण की शादी रोकी है। अरे शादी रोकी है भूप ने, शादी रोकी है भैया याद लला श्रवण की भूप ने शादी। ध्यान रखना दोस्तों, जो कंचनपुर नाम का नगर है, जिस राजा का नाम है केसरी सिंह, उसकी लड़की का नाम है श्यामावती, वो लड़की बड़ी सुलक्षणी, और उसी की शादी महाराज उद्धार ऋषि ने श्रवण कुमार के लिए रोक ली। नाई और ब्राह्मण जब वापस पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि उद्धार ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार के लिए तुम्हारी लड़की की शादी तय हो चुकी है। महाराज केसरी सिंह कहने लगे, परिवार तो सही है। कहा, बिल्कुल सही, लेकिन ये सिर्फ एक कमी है। वो कमी को कमी ने कही है। कौन सी? कि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे हैं। अब तो केसरी सिंह को बहुत चिंता हुई, और उसी समय केसरी सिंह जो हैं चले और महलों में पहुंचे। तो रानी कहने लगी, कहिए पिया, कहीं लड़की की शादी तय हुई? जवाब दिया, हां तय तो हुई है, लेकिन गोरी एक शंका है। वो कौन? लड़की के सास ससुर दोनों अंधे। रानी कहने लगी, तो ये तो कोई शंका की बात नहीं, लड़का सुंदर है। जवाब दिया, लड़का सुंदर है, लेकिन जब सास और ससुर दोनों अंधे हैं तो लड़की को पल भर चैन नहीं मिलेगा। लेकिन रानी बहुत सुलक्षणी थी, कहने लगी, महाराज घर बर सासू ससुर सब पहले देखे जाए, पीछे पुरखन को
जब चाहे मनमाए, सब चाहे मनमाए मालिकी अपनी, पति सो ज्ञानी और सास ससुर आगे परखो तब तिरिया विपत्ति उठानी। कुछ दिन को है दुख सुख फिर भोगेगी मनमानी। ए श्यामावती बेटी मेरी घर जात बने पटरानी। वो स्त्री कहने लगी किसी के माता पिता जिंदा नहीं रहते, उसी समय ध्यान रखना शादी तय होने के बाद महाराज उद्धार ऋषि अपने बेटे की बरा लेकर केसरी सिंह के दरवाजे पर आए हैं और श्यामावती के साथ में शादी कराने के बाद अपनी पुत्र वधू को लेकर महाराज घर पहुंचे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, घर में तो खुशहाली है, आखिर राजा थे, लेकिन वक्त को बदलते देर नहीं लगती। श्यामावती सुंदर भी थी, श्यामावती सी बाम श्रवण सब काम दो बिसराई। अरे ऐसी बाड़ी प्री तेरे के मन में बसी लुगाई। और घर के भीतर रहे, एक घर के भीतर रहे न किसी से कहे सुधार की भाई। और थोड़े दिन में धन को भैया ना सुत दो कराई। आज उस औरत के प्रेम में श्रवण कुमार इतने पागल हो गए, एक पल भी बाहर नहीं निकलते, राजकाज और जागीर की कोई फिक्र नहीं। और एक बात का ध्यान भी रखना, खाओ सिल्वर लाओ तिल भर तो घर में अन्नन जुड़ता है। संतों से व्याधिन चलती है, भूख से पहाड़न उड़ता है। बड़े चाहे राजा हो चाहे रंक, बेकार तो कभी बैठना नहीं चाहिए। अरे जिंदगी है तो कुछ काम किया कर, और काम अगर ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। लेकिन श्रवण कुमार तो स्त्री के प्रेम में इतने पागल हो गए कि धन का नाश होने लगा और अंत में बस रोटी ही रोटी रह गई। एक दिन का जिक्र है, श्रवण कुमार को अंधी अंधा उद्धार ऋषि और चंद्रकला ने इशारा दिया कि लाला इधर आओ, तो श्रवण कुमार आए, रो करके कहने लगे बेटा बहू के पास से तुम दो मिनट भी नहीं हटते, एक बात कहना चाहता हूं, बुरा न लगे। श्रवण कुमार कहने लगा माता पिता की बात अगर औलाद को बुरी लगे तो उस औलाद को पैदा होती मर जाना चाहिए, तुम तो मेरे भगवान हो। चंद्रकला कहने लगी लला जो लो बहू ना घर में आती तो लो भगवान आते हैं। हम आज 3 सालें हो गई जब से बहुटिया आई, हमने सारी जिंदगी पढ़ाओ तू पढ़ ना पाओ, बाने एक ही रात में तो लला आचार्य बनाए दो। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? चंद्रकला कहने लगी मैं ये कहना चाहती हूं बेटा, अ
काल गजमीन पतंग मृग जे इंद्रन के दास श्रवण लला तू क्या करे पांचो तेरे पास। अली माने भौरा, भौरा के पास एक विषय होता है नाक और श्रवण। नाक विषय के कारण भौरा फूल से प्रीति लगाई और सूर्यास्त हो गए लला जब मौत भमर आई। एक विषय मरा गज, गज के फांसन को आधार कागज की हथिनी बनाई और पति जगह में पहुंच गई तब कंस की भाई की सफाई। वो भी फंस गया मानव के जाल में अब मछली पे नौबत आई और जीव के विषय में मछली हाय कांटे में फंस गई जाई। जैसे पतंग आंख के विषय दीपक पे परी ही टुराई और बेदर्दी दीपक ने हाय बहे पल में दो तो जलाई। और हिरण कान का विषय बीन जब शिकारी ने तो बजाई भोई गओ बुए सो छाती में लगो तो बाण बग जाई। उन पांचों को गुलाम तू श्रवण आधार रहे समझाई। अरे बाहर भी कछु देखो लला घर में मत लखो लुगाई। बाहर भी कछु देखो लला मत घर में लखो लुगाई। जब ये पांचों एक ही एक विषय में मर गए श्रवण, लेकिन मैं देख रही हूं मेरे बेटा के पास ये पांचों विषय। श्रवण कहने लगा मां तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में हम इतने पागल हो गए थे कि मैंने बाहर की तरफ नजर ही नहीं दौड़ाई, सारी जागीरें हमारी साफ होने लगी। अब तुम कहना क्या चाहते हो और कोई बात? तो उद्धान ऋषि कहने लगे बेटा मैं जानता हूं कि गरीबी आ चुकी। ए बेटा सुन श्रवण ममो मैं समझाऊं तोई अमावस पूनो खीर को बड़ो महातम होई। बेटा अमावस और पूनो को खीर का बड़ा महत्व होता है। बड़ो महातम होई दूध चावल मीठा जेने का और वक्त देख कर बुरा मानियो मत मेरे कहने। बहुत न हो लाल तो फल है एक ग्रास लेने का जो एक काम करे बेटा तो गरीबी का ना रहने का। अगर अमावस्या और पूनो के दिन जो खीर का भोजन करता है चाहे भरपेट भले ही ना हो एक ग्रास ही काफी है तो दरिद्रता नहीं रहती। श्रवण कुमार कहने लगा मां अरे तुम तो एक गिलास की बात करते हो, दोनों इतनी जागीर तो मेरे पास है कि मैं तुम्हें बताओ रोज ही खीर बना करके खिलाऊं। और ध्यान रखना दोस्तों उस समय श्रवण जो है अपनी पत्नी के पास पहुंचाओ कहने लगा हे प्राण प्रिय
मेरी नार कहे भरतार अरे गज गामिन अरे रूपवती शुभ सुगड़ौरे के अरे माने भावन अरे सभी दर्द नसाए रहे समुझाई सुनो मेरी भामिन सुनो मेरी भामिन और खीर खान को भोजन रे बनाइए मेरी काम खीर खान को भोजन रे बनाइए मेरी काम हे प्राण प्रिय आज से हमारे घर में खीर का भोजन बनेगा अरे तब सुखी पिता मेहतारी सुखी मेरे पिता मेहतारी और तो से है अरज तो हमारी अरे दे सेवा में तन मन बारी बारी गजब भौ बारी हम तुम स्वर्ग के बने अधिकारी सेवा करके स्वर्ग से पार के हो गया धार अरे आज तक खीर के घर में बनी है मैया बबुल के है जुनार क्या हुआ अरे होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे तब श्याम बत्ती झुझलाई गई है धीरे धीरे पेट में भबू को नार के उठिया पेट में भबू तो नार के उठियो नार के उठियो और सैया को गिरा सुना रही है धीरे धीरे ये होनी की बदलिया छा रही है धीरे धीरे शब्दों में कहने लगा आज से हमारे घर में खीर बनेगी और माता पिता दोनों खीर का भोजन करेंगे औरत कहने लगी पिया एक बात कहूं तो बुरा ना लगे कहो क्या भूले देकर पिया सास ससुर जागीर हमें पड़ी पति अन्न की उन बूढ़न सुहाय रही खीर हमारे तो घर में अन्न की तबाही उन्हें सूजती खीर पिया हम अपने मारे मरते और वह तो सुख से परे खाट पे खो 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 करते मेरो घर आंगन थूक के भरते और आबे घिन भरतार हर घड़ी वो पुण्य करते भरते महाराज ये बूढ़े खूसक मरते भी तो नहीं है केनो हमार करो भरतार पुकार कहूं कि तमें न डरो तुम और घर को त्याग बसो ससुराल दो नार किसी का दो चित धरो तुम ताधन धामो अपार परो सैया
कहरो तुम सातब माता छोड़ चलो पति बैठ के घर में राज करो तुम। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे जादू तो डारे कैसे नार लला पे धीरे धीरे हाँ मेरे। खुले शब्दों में कहने लगी पिया जा घर में तो लात मार दो चलो ससुराल में चलो हमारे पिता राजा हैं। इतने जो बचन सुने आंखों में लोहू के कतरे आ गए। सिरबट कुमार कहने लगा ओरी गुंडी हमारे पिता से क्या कह रही है कि खोखों कर रहे हैं। ओ लुच्ची मार की कोड़न ते खाल में तेरी फोड़ो से खाल में तेरी फोड़ो जो एक शब्द भी गलत कहो मैं जी भर तेरी तोड़ो। महाराज हमारी बहुत बड़ी जागीर और आज समात पितन को तू घर में तो बनाइएगी। मेरी साजनिया मेरी साजनिया मात पिता मेरे तो रहे हम ये नहीं पे होने बलिहार। मेरी साजनिया मात पिता दो तो रहे मैं तो ये नहीं पे होने बलिहार। मेरी साजनिया मात पिता दो। खुले शब्दों में कहने लगा सरवर कुमार आज से चौका में खीर बनागी और कमीनी अगर एक भी शब्द उनके प्रति कहा तूने गलत तो तेरी जीव को खींच के बाहर फेंक दूंगा। दोस्तों बहुत झुझला गई पेटी पेट में जल गई उसने खीर बनाई। सिरबट कुमार का यह नियम था कि माता पिता को पहले भोजन कराने के बाद उसके बाद भोजन करते थे। अब तो इस औरत को सारी रात नींद नहीं आई। जो सुबह हुआ ये औरत चली है और दोस्तों कुम्हार के यहां पहुंची। अपने पति की आंख को बचाकर और क्या बोली कुम्हार सोचने लगा ये यहां कैसे भाई बड़े घर की लड़की जो बहू है यहां की आज यहां कैसे। मुंह की तरफ देखने लगा और कुम्हार कहने लगा सहजादी आज क्या बात है। तो ये घूंघटे मैं बोली अनुज कहूं बीरा कहूं नप समझू या लाल जेठ कहूं देवर कहूं ये ना तो ससुराल ये ना तो ससुराल ख्याल तुम मेरी कहन पे लाओ और गोलम टोल एक हरिया जल्दी चाक पे चढ़ाओ। एक हरिया चाक पे चढ़ाओ लेकिन वो हो कैसी अंदर हो तुई पे तू आधार को मोहरो एक बनाओ और कोई न जाने भेद के भैया इस तरह उसे बनाओ। मैं कीमत भी अदा कर दूंगी ऐसी हरिया बनाओ जिसके अंदर तो दो पेट हो और ऊपर मुंह एक हो। कुम्हार कहने लगा वैसे मुझे माफ करना एक बात कहूं आपसे ऐसी हरिया मैंने आज तक महारानी न सुन पाई। बाको देवो
बात हो बताई, ऐसी हरिया कौन बनाई। महाराज मती होना नाराज है आप, और मेरी क्या औकात बनाई न सके हमारे बाप। अरे मेरी क्या औकात बनाई न सके हमारे बाप। ओरी महारानी, ओरी महारानी, ओ सब बिगड़ गए मेरे सब विधि से, मेरो कापन लागो है क्या गोरी महारानी। ओ सब बिगड़ गए मेरे सब भैया, मेरो कापन लागो है क्या गोरी महारानी। ओ सब बिगड़ गए मेरे मेरे। एक बात बताओ, ये हरिया तुम कहां देखे आई? अरे मेरी तो औकात क्या हमारे बाप भी ऐसी हड़िया नहीं बना सकते। इसलिए महारानी जी एक बात और बताऊं आपसे, क्या चली जइयो हमें कोई देख लीजिए, चली जइयो, चली जइयो तुम्हें कोई देख ली है, चली जइयो। समाओ कोई कलंक की सग में मेख दी है, चली जइयो, चली जइयो हाय हमें कोई देख ली है, चली जइयो, चली जइयो हाय हमें कोई देख ली है, चली जइयो। चली जाइए, क्योंकि हमें कोई देख सकता है। अब तो दोस्तों ये शर्मा के चलती लेकिन बड़ी गम में आ रही है। और तब तक एक ठठेरिन जो थी, जो इसके यहां आती जाती थी, उसका पति बड़ा उस्ताद था। वो ठठेरिन ने जब इसको जाते हुए देखा तो आवाज दी, बहन जरा पीछे देखो। एकदम से लौट आई ठठेरिन, कहने लगी आज सुस्त कैसी और इधर कैसी निकल पड़ी। पति भी उसका बैठा है ठठेरिन का, तो कहने लगी ओरी बहन आज मैं गर्द इसकी मारी हूं और तू मेरी सहेली बन जा, जीवन की हमदर्द बन जा, तो मैं तेरी आजीवन की ऋणिया बन जाऊं, तू मेरी साहूकार बन जाए। ठठेरिन बोली बताओ बहन, जवाब दिया मुझे ऐसी हड़िया चाहिए जिसका मुंह एक हो और पेट दो हो। कहने लगी चिंता मत करो, मेरे पति बड़े उस्ताद हैं, मिट्टी ले आओ। उसी समय मिट्टी आ गई, और ध्यान रखना दोस्तों, उस ठठेरिन के पति ने इस तरह की हड़िया बनाई, कितनी भी आग पर रख दो हड़िया की सेहत पे कोई असर नहीं। उसमें दो प्रकार की खिचड़ी बन जाए, मिल नहीं सकती, और एक ही मुंह है, निकालो खाओ। अब हड़िया लेकर के चली, अरे धीरे धीरे गोरी चल भाई, दे दे भमर गलने पे पामरे, दे दे चंप गलने पे। बड़ी खुश है। अरे धीरे 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 गोरी चल भाई, आंगन में पहुंच गई भाई मेरे आए, आंगन में पहुंच गई। अब दो पेट की
है तो क्या किया इसने, एक पेट में खीर बनी जम दाख छुआरे, पड़ रहे हैं जम किस्मत सारी, पड़ रही है जम मेवा सारी। और एक तरफ खाटो मथा बम चावल घोरे, हाय दारी ने भैया चावल रांधे, हाय सगनी ने भैया चावल रांधे। आधार कर कसा नारित अरे राम बचावे, हाय सबको भैया राम बचावे। प्रभु बचावे, लेकिन कर्कशा औरत को सब नहीं पहचान पाते। अरे तेरी चरित्र विलक्षण है आधार बचावे, कोई धीरे से आधार बचावे। अरे खसम मार दे हाथ से फिर सती हुई जावे, भाई के संग वो सती हुई जावे। बड़े क्रिया चरित बड़ाई विलक्षण है, एक में तो सुंदर मेवाओं से सनी हुई खीर और एक में खट्टा मठा और उसमें चावल, यानी उसे खट्टा महरी कहते हैं देहात में लोग। इस तरह दो प्रकार के भोजन उसी हड़िया में बनाए गए। सिरवर कुमार अपने माता पिता को लेकर जब चौका में आता है, दो थालियां भर दी उन दुखियों के लिए खट्टे मठा में रंधे हुए चावल, और दो थालियों में सुंदर खीर। पहले माता पिता खाते हैं, उसके बाद सिरवर और श्यामावती। 12 वर्षी बीत गई, शरीर सूखने लगा। मेरे नौजवान साथियों, एक दिन का जिक्र है, सिरवर कुमार जो है अपने माता पिता से कहने लगा कि बात क्या है। हाथ जोर सिरवण कही, सुनो पिता और मात, जिस पर भी माता पिता क्यों दुर्बल हुई गात। ये क्या बात है जो दिनों रात तुम सूखते जा रहे हो। रो करके माता पिता सिरवण की तरफ देख करके, आंखें तो थी नहीं, हाथ फिराने लगे सर पर, तो सिरवण कहने लगा, दुर्बल हुई गात पिता और मातु, हृदय मेरो दुखो, तुम्हें कब उन भोजन दौरे के घी में बबुला रूखो। कभी मैंने रूखा भोजन नहीं दिया तुम। और अपने पास बिठाए में रहे जिमाई, न राखो भूखो, न राखो भूखो, न राखो भूखो, फिर किस कारण ते शरीर लेके मैया बबुला सूखो, फिर किस कारण ते शरीर लेके मैया बबुला सूखो। हमेशा अपने पास में बिठा करके भोजन कराया, लेकिन शरीर क्यों सूख गया। और हिलकी भर गई आज तो उनकी लला को छाती तलाओ तो लगा, अब रोए के मैया बोलन लागी, और बेटा ते कही सुनाई। बलवान के किस्मत मेरी है, बेटा होनी है बलवान के।
एकदम से सिरभर कहने लगा, बात क्या है? कहने लगी है, माँ बेटा बात तो बता दूं, लेकिन इसलिए घबरा रही हूं कि अगर कहूं बहू सुनती हुई बहू तो घर में कलह हो जाएगा, तू बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं भेज दे तो मैं तुझे सारी कथा सुनाऊं। एकदम से सिरभर कुमार कहने लगा, माँ वो तो अंदर महल में सो रही है, तुम हमें बताओ। तो रो करके मैया बोली, तू कह लाड़ रे निस दिन हमने खीर कहने लगी, माँ सुन बेटा तू तो कह रहा कि खीर खवाई, तू कह के निस दिन बेटा खीर खिलाई, ओ छाता की खट्टी महेरी हाय तेरी मैया ने खाई, मेरे पुत्र दूसरी नाई चीज चाखी, ओ कहूं झूठ तो लाल मेरो आधार बने साजी, बेटा 12 साल गए बीच मठा जी खीर तो खाई है, बेटा 12 वर्ष गए बीच खटा महेरी महेरी खाई है के खटा महेरी खाई है, बेटा 12 साल के बीच खटा महेरी। तुम तो कहते हो कि हमने खीर खिलाई, लेकिन इन दोनों अंधे और अंधों ने जो सामने बैठे हैं तेरे, इन्होंने सिर्फ मट्ठा की खट्टी खीर खाई है। सिरभर कुमार कहने लगा, मां जाने कौन से पाप थे तुम दोनों की आंखें फूट गई, लेकिन तुम्हारे समान बेईमान इस दुनिया पे शायद पहली बार ही मैं देख रहा हूं। अरे पराई जाई को दोष देने वाले, मैं अपने सामने तुम दोनों को बिठा के भोजन कराता हूं, एक ही बर्तन में वो खीर बनती है, फिर तुमने खटा महरी और हमने खीर। एकदम से मैया रोकर कहने लगी, बेटा तू साचो साची बहू, साचो तेरो ख्याल, हम तो झूठे कर रखे परमेश्वर ने लाल। तू सही है और बहू सही है, हम दोनों वास्तव में झूठे। सिरभर कुमार अपने माता पिता को रोता हुआ देखता है तो उसकी आत्मा से आवाज आती है कि कुछ हकीकत अवश्य। आज चल दिया, मन ही मन सोचने लगा, अब किसे दोष दें, बुद्धि काम नहीं देती, मैं परीक्षा लूंगा कि हकीकत क्या है। सारी रात सिरभर कुमार को दोस्तों तारे गिनते हुए कट गई, करवट बदलते हुए कट गई। जो सुबह हुआ स्नान करके प्रभु का ध्यान करके जब श्रवण निवृत्त हुआ है, उसी समय श्यामवती ने आवाज लगाई, भोजन तैयार है, प्राणेश्वर मार पिता को लिवा लाओ। आकर के आसन पर बिठा दिया तो देखिए उस औरत की चापलूसी, दो थालियां लगाई जिसमें खटा महेरी है और 2 थालियों में शुद्ध खीर। परस्तीदारी है और सिरभर को बातों में लगाए है कि उसका ध्यान न जाए उधर, लेकिन सिरभर आज तो चकोर था कि हकीकत क्या है। 2 थालियां तो अपने पास में रख ली क्योंकि माता पिता जब भोजन कर चुके उसके बाद में ये दोनों करेंगे, और खटा महेरी वाली 2 थालियां अंधी और अंधे के सामने कर दी। सिरभर कुमार ने जो उसके पास 2 खीर की थालियां थी वो उठाई, माता पिता से रख दी और वो 2 थालियां अलग रख दी। जो यह दृश्य देखा उस औरत ने आग बबूला हो गई, हाथ में बेलन लेकर के अंधी अंधे के सामने से वो थालियां उठाकर चौका में घुस गई। ये आपने क्या किया? इन अंधी और अंधे के
थाल को आपने यहां रख दिया और अपने थाल उधर क्यों बढ़ा दिए? ओ सैया मेरे कंतु बात कहूं अंतु रहे ओ पकड़ के जा करनी देख के जियारा मेरो कलेजा सैया धन के मेरी देख लई क्या खता मेरी देख लई क्या खता पिया मेरे बता अंगारी बढ़ के अंगारी बढ़ के गुस्साई रही ऐसी खून पी जाए छाती पे चढ़ के अरे गुस्सा में ढूंझलानी है जाने अरे भोए बात क्या है? आपने थालियां क्यों बदली? दोस्तों सरवण उठा और वो खीर बारी दोनों थालियां छीन ली उस औरत के हाथों से और कहा कि तू बीच में बोलने वाली कौन है? तू सिर्फ भोजन बनाने वाली है? दोनों थालियां अंधी और अंधे के सामने रख दी। अब क्या हुआ? आहा, जब थार दिए सरकार बही पे तो माता हित जैमन को उनके भोजन आप चाक कर भर लाए नैन पीछे मिली खीर हायो ने अंधी अंधन को और रुच से जे मन लगे असी से देख लगे सिरवण को जिस समय खटा महेरी को अपनी जीप पर रखा सिरवण ने आज सरवण कुमार के नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली। लेकिन दोस्तों माता पिता के सामने तो सरवण और उस औरत से कुछ नहीं बोला। भोजन करने के बाद अपने बेटा को आशीष देकर के दोनों अंधी और अंधा जब पलंग पर आ गए सरवण एक कोने में बैठ गया अपने घुटने में मुंह को छुपा के रोने लगा। मैं भूल में था। सच्चा प्रेम करना था मात पितन से जन्नारी से प्रीत करे ना औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना औरत अपनी न होती नारी से प्रीत करे ना औरत अपनी ही न होती बिन आई मौत मरे ना। इस श्याम पती के पीछे हमने सब धन दियो लुटाई और एक पल विवाह पास से हटकर अंत सको ना जाई महीना जन धरो पेट में हाय बाई दो ठुकराई और आज समझ में आ गई धोखे बाजे बहुत लुगाई। इस तन से ओ श्याम बती इस तन से ओ श्याम बती हम तो से भेंट करे ना औरत अपनी
फोड़न से खाल उड़ाऊं और पगली तुझे मारे दुख माता पिता को पहुंचाऊं, तो ऐसी जगह पर मारूं, तो ऐसी जगह पर मारूं जहां पर बिल्कुल रहना निशानी, और तड़प तड़प के मरे ठरगनी मिले न तो को पानी। रे आधार और रे आधार याद हाय हाय औरत विश्वास करे ना, और नारी अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना, औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। तो प्रीत करे तो मात पितन से और उसे प्रीत करे ना, औरत अपनी न होती हाय औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। याद रखना दोस्तों, संकल्प किया है कि अब जिंदगी में सरी से भेंट इस औरत से नहीं करूंगा, इसने मेरे विश्वास को भयंकर धक्का दिया है। सुबह की बात है, सिरबर कुमार अपनी दुल्हन श्यामवती के पास आया और कहने लगा, गोरी तुम्हारा वो बड़ा वाला भतीजा है ना? हाँ हाँ। अभी एक दूध संदेशा लेकर आया है, जो डोली भी साथ है जिसमें चार कहार है, और उसने बताया है कि शादी है। हे प्राण प्यारी, अब तुम्हारा इरादा क्या है? अगर जाना चाहो तो तुम लोगों को रोक ले, और न जाना चाहो तो डोला को लौटा दे। श्यामवती कहने लगी, पिया बहुत दिन हो गए मैया भी नहीं देखी, उसके बाद शादी है, डोला का लौटाना अच्छा नहीं होगा। सिरबर कुमार कहने लगे, तो तैयार हो जाओ गोरी। उसी समय श्यामवती तैयार हुई, डोला में बिठा ली, ऊपर से झांप डाल दी, चार कहरों को इशारा दिया, डोला ले चलो। डोला चला और सिरबर कुमार पीछे घोड़े पर सवार होकर चला। दोस्तों, जिस समय यह डोला कंचनपुर की तरफ नहीं, एक बियाबान जंगल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन झांप पड़ी है, श्यामवती को पता नहीं कि महके में नहीं जा रहा। जब भयंकर जंगल में पहुंचा, जहां शेर भेड़िया चीते भालू बंदर अजगर की खान है, वहां इशारा किया कहरों को, रुक जाओ दोस्तों, और हाथ में नंगी तलवार लेकर सरवण बोला, बाहर डोला से निकल ओ कुलबंती नार, पीहर तेरा परदा तन का उभार। दोस्तों, एकदम से औरत ने जो पर्दा उघाड़ा तो भयंकर जंगल। जवाब देने लगी, पिया कहां है मेरा मैका? सिरबर कहने लगा, ओ कमीनी औरत, तुझे मालूम है कि मैंने तुझे कितना प्यार किया था, तेरे पीछे मेरी सारी जागीर बर्बाद हो गई, जिन माता पिताओं के लिए हम अपने शरीर की चमड़ी उतार के जूती बनवा दें उनसे उड़ नहीं हो सकते, जिन्होंने 9 महीना मुझे अपने पेट में रखा, और हमारे लिए जो अंधी बन गई आंखें दे दी, वो कमीनी औरत तूने एक समझदार को अनाड़ी बना दिया, अब उसी का मजा तुझे देखना है, यही है तेरा पियर, और यही शेर भेड़िया अजगर तेरे भाई बंधु हैं। दोस्तों, जो इतने वचन सुने श्यामवती का हृदय कांप गया और एकदम से सिरबर कुमार के पैरों पर गिर पड़ी। बिने करूं कर जोर कर ओ मेरे भरतारू, दीदे दासी के पिया सवय अपराध विसार, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो,
औरत में 8 अवगुण होते हैं, उन अवगुणों में मैं फंस गई। सिरबड़ कहने लगा, चाहे जैसे बना मैं बनूंगा नहीं, तेरा देखूं न मुख न दिखाऊं तुझे, जैसे चूकी न मेरे पिता मात को, जैसे चूकी न मेरे पिता मात को, तैसे चूकू न मैं भी सुनाऊं तुझे, क्यों तू बातें बनाती चढ़ाती है रंग, खो दू नाम जहां से उठाऊं तुझे, तेरा काला करा मैं छोड़ू यही, बदी का मजा तो चखाऊं तुझे, तेरा काला मुंह करके छोड़ूंगा और दगाबाजी का तुझे मजा चखाऊंगा। लुची बेहा बेशरम ओरी पगली नार, धर्म करम ओ बेहया तुन सबई दो विसार। उसी समय सिरबर कुमार ने कहारों से कहा कि इस नालायक औरत का मुंह काला कर दो। दोस्तों मुंह काला कर दिया, और ऐसा ही नहीं, शायद ये औरत मेरे पीछे ना आए, उसके दोनों पैर बांध दी। तड़पती हुई अपने पति से गिड़गिड़ाती रही, सिरबर कुमार चल देता है। दोस्तों इधर जंगल में श्यामावती बिलबिला रही है, बिल बिलाई बिल खाई कांगे हाय मेरे हितकारी, मैंने अपने कर्मन से कर लई रे जीवन की बिल्कुल बारी, प्यार रहे चिलकारी लगे डर भारी, लगे डर भारी, आधार रात जब हुई आईनी के छाई अंधेरी, आधार रात जब हुई आईने के छाई गई अंधेरी, मेरे इधर तो श्यामावती जंगल में डगरा रही है, इधर जो सुबह होता है तो सिरबर कुमार उसी वक्त अपने माता पिता के पास जाके चरण स्पर्श करता है। दोस्तों जिस समय उद्धार ऋषि और चंद्रकला ने सुना कि श्रवण अपनी औरत का त्याग कराया, उन पर क्या गुजरी मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इधर श्रवण ने सोचा अब तो सच्चा कल्याण माता पिता की सेवा में है, कैसे इनकी सेवा करूं, इनको तीर्थ यात्रा करवाऊं, लेकिन कोई सवारी नहीं, दौलत भी इतनी नहीं जो भाड़े पर सवारी कर लूं। एक पड़ोसी यार था उसका, उसके पास पहुंचे और कहने लगे, भैया तू मेरा दोस्त है और तू जानता है कि मैं गरीब हो चुका हूं, मैं अपने माता पिता को तीर्थ करवाना चाहता हूं,
ऐसी कामर तैयार कर दे मेरे दोस्त, जो मैं उद्धार हो जाऊं और मेरे माता पिता की भी मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों दोस्त दोस्त होता है। वो यार कहने लगा, यार दिल को छोटा न कर। विजय बसूला हाथ ले, लज्जा लकड़ी छील, बांस लगाए विवेक के ठोंक कर्म की कील। ऐसी कामर बनाऊंगा मैं, ठोंक कर्म की कील, पुंड के पल्ला दोनों गड़ के, और जय की जैती डार गांठ गुड़की हम दे जकड़ के। लटका जस की जंग दऊ कल्याण कंद में मर के, और सत के सतिये कार धर्म की ध्वजा जमाऊ चढ़ के। बनाऊ ऐसी कामर आधार जो हो उजागर, भक्ति से भ्रातु उठाइयो और तामे मात पिता बैठा कर तीर्थ यार करियो। याद रखना भैया, विजय का वसूला हाथ में लेकर के लज्जा की लकड़ी छील कर और बांस हम विवेक के लगा करके उसमें कर्म की कील ठोंक देंगे। कर्म की कील पुंड के पल्ला दोनों में गड़ के, और जय की जैती डार करके गुड़ की रस्सी से जकड़ दूंगा, और लटका जस की जंग दऊ कल्याण कंद में मर के, और सत के सतीय कार ध्वजा में धर्म की उसमें जड़ा दूंगा। आप उसे धर्म से उठा लेना। ऐसी कामर बनाऊंगा दोस्तों, उस दोस्त ने वही कामर बनाई। कामर जब बन के तैयार हो गई, आप खुद समझ गए ये बड़ा गहन विषय है, कौन कामर और कौन उठाने वाला, कैसे उठाने वाला, इसे बहुत गहराई से सोचें। आ गया सरवर कुमार माता पिता के पास। माता पिता से कहा, पिताजी, माँ। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम, मेरी गोद में आ जाओ। सिरवर अपने माता पिता की गोद में आ गया, आंखों में हंसी उभर के कहने लगा, माँ मुझे क्षमा करना, उस छलछंदी नाटकी औरत ने मुझे पागल बना दिया था, मैं तुम्हारी सेवा भूल गया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के तीर्थ कराना चाहता हूं। चंद्रकला उद्धान ऋषि कहने लगे, बेटा अब तो ये बुढ़ापा है, हम पे तो चलो नहीं यार, खड़े होते हैं तो तमारो हाथ, तीर्थों में कैसे जा सकता हूं, तेरे पास इतना पैसा भी नहीं जो भाड़े पे सवारी ले आए। सिरवर कहने लगा, मां ये माता होती कोई नारी सुलक्षण महल, करके तुम्हें जिमावती निस दिन करती टहल, कर टहल से आशीष भव सागर से होती पारी, सूखे पावते मात पिता होता मुरा उद्धार भी, लाचार बेसुमार हूं मैं सब तरह से मातुरी, इसके सिवा कुछ और मेरो बस नहीं बस यातुरी, देव त्याग असमंजस सकल भव से तराऊं मैं तुम्हें, कामर बिराजो उठाऊं तीरथ कराऊं मैं तुम्हें। जो इतना कहा, अब तो माता पिता
बहुत दुखी हो गए। कहने लगे, बेटा तू तो कोमल पगों से कभी नहीं चला, हमें अपने बदन पर धर के कैसे चलेगा? ऊपर से भयंकर सूर्य की धूप, नीचे से तपती हुई पृथ्वी, पसीना छूटेगा, उस समय मैं कैसे धैर्य धारण करूंगी? सिरवर कहने लगा, मां अरे मात पिता मत जल्दी, अब मेरे दिल को आप दुखाओ, मेरी कामर में बैठो, मेरो जीवन सफल बनाओ। महाराज होश तो न आयो आधार, अरे निर्भय क्यों पर रहो के मैया होन लगी बीमार। भैया कामर पे धर के बेटा तीरथ को चली भाओ है, यारो कामर पे धर के बेटा तीरथ को जाए रो है, भैया कामर पे धर के बेटा तीरथ को जाए रो है। मेरा आज कामर पे रख लिया है अंधी और अंधे को, और सिरवण चला है, लेकिन ध्यान रखना, जिस समय ये चला तो पुरवासी इसके पीछे भाग दिए, सब दुखी हैं। सरवर कुमार कहने लगा, पुरवासियों मेरे पीछे ना भागो, आप लौट जाओ, अगर अन्न दाना होगा तो मैं दोबारा फिर आऊंगा तीर्थ कराने के बाद, और अगर दाना पानी उठ गया तो मैं अंतिम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप लोग मेरे पीछे ज्यादा मत आओ, उतना ही मोह बढ़ेगा। ये दुनिया मकड़ी का जाला है, दुनिया मकड़ी का जाला है, अच्छे से अच्छे चलते हैं, अच्छे से अच्छे चलते हैं। जरा समझो, दुनिया में कौन दुनिया? औरत मकड़ी का जाला है, अच्छे से अच्छे छलते हैं, जो मृगनैनी के चक्कर से बिरले ही फूट निकलते हैं, बिरले ही फूट निकलते हैं। की भरमार पड़ी, वहां पुण्यों का रचना कैसा, जब पापक लगी बजरिया है, फिर पापों से बच ना कैसा, फिर पापों से बच ना कैसा। ही आधार हमें छल की दुनिया में जाना है। राठौर अभिलाख बचोगे तुम कैसे, पापन को सखा बनाना है, पापों को सखा बनाना। पापों को सखा बनाना है, नरनारी तो लौट गए दोस्तों। आज सिरवर कुमार अपने माता पिता को लेकर के चला, कहां कहां जा रहा है? कंधा कामर धार प्रथम जाकर सिंधु में नहाए, गंगोत्री सरस्वती यमुना में चित्त तो हर साए।
सुख पाए। ओ कावेरी गंडकी गोमती में स्नान कराए। बाहर बेटा कंधे पर रखे हुए कामर को सारे तीर्थों को करवा रहा है माता पिता को लेकर। जब भूख लगती है तो कामर को रख देता है, तीर्थों में यात्रियों से भिक्षा लेता है। करा कुरुक्षेत्र के स्नान, पुण्य पुष्कर नहा करके किया जीवन सफल जग में, नेम सारायण में नहा करके। रेणु का बेतुबा छिप्रा हरियर क्षेत्र में तन धो, महानद में लगा गोता चले बारे क्षेत्र को। महेश्वर में लई बुड़ की अद के आनंद मनाए हैं, प्राग में पर्व नहा करके फेर सरजू में आए हैं। भानु किरण है प्रबल लू लगे विपन में, त्रसाने महा सताए अंधी अंधन पुत्र श्रवण को ऐसे वचन सुनाए। भयंकर लू चल रही है, महीना जो है गर्मी का लपट चल रही है। अंधी और अंधा दोनों कामर में बैठे हुए कहने लगे, प्रबल तेज से प्रभाकर आज तपे मेरे तात, कामर में बैठे तो मेरे फूको जातु है गा। बेटा श्रवण, फूको जात सब गात, जीव या कुला तो हमारो छैया, और गए ओठ पपराए प्यास से सूखो कंठ कन्हैया। क्या गति होगी तेरी, पिता माता के प्रतिपाल करैया, और तनक पिटप तर बैठ लऊं तेरी बारंबार बलैया। और क्या बोली, तेरे पैरन में फपोले पड़ रहे हैं धीरे धीरे, मेरी कामर में होश बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे। मेरा लाल पानी बिन कंठ गा मेरा सूख, और बहुत देर से चल रहो तेरो बदन रहो होगो तू। बेटा लग रही भारी प्यास के लला पानी निक भर लई, बेटा लग रही भारी प्यास हाई निक पानी भर लइए, पानी भर लइए प्राण मेरे तो बचा लीजे। लाला लग रही भारी प्यास लला निक पानी। बेटा बहुत जोर से प्यास लगी है। श्रवण कहने लगा, हमारी फिक्र मत करो माता पिता, सच बात तो यह है कि जिसके दिल में माता पिता की सेवा का भाव भरा है उन्हें न दोपहरी से कोई मतलब है न धूप से, लेकिन तुम प्यासे हो तो नेक धैर्य धारण करो। कामर लेकर के बट वृक्ष के ऊपर लटका दिया श्रवण ने और कहने लगा, मां मैं कमंडल लेकर के पानी लेने जा रहा हूं। एकदम से रो करके कहने लगी, मां
द्रगन ओट तू होत सुते, सब तन मन घबराई, कितनी दूर पनी रहे बेटा दिए बताई। ये पानी कितनी दूर पे है बेटा? सिरवर कहने लगा, मां जब मैं भिक्षा मांगने जाता था तो तुम कभी व्याकुल नहीं होती थी, लेकिन आज? कहने लगी, लाल ना पता क्यों मेरे हृदय में भय पैदा हो रहा है। सिरवर कहने लगा, डरो नहीं, तुम्हारी कामर इतनी दूरी पर है, कोई छोटा जानवर इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर हमला भी नहीं कर सकता, और फिर पानी में ज्यादा दूर नहीं है। मामा जी का ताल है पास में मां, उसमें बड़ा निर्मल जल है, मैं अभी आ रहा हूं। चंद्रकला कहने लगी, बेटा मैं कहां आ गई? जवाब दिया, मैं ननिहाल में आ चुका हूं, तुम मैके में, अयोध्या भी नजदीक है और इसी जंगल में मामा का सरोवर है, मैं वहीं से पानी लेने जा रहा हूं। ठीक है लाल, पानी ले आओ, लेकिन जल्दी आना, न पता मुझे डर सा लग रहा है। अरे घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। मेरे दोस्तों चला है सिरवर कुमार, विविध भांत दे श्रवण निज मात पिता को धीर, कामर टांगी वृक्ष परो चले भरन को नीर। देखिए किस्मत का खेल दोस्तों, चले भरन को नीर कमंडल ले प्रसन्न हुई मन में, और तुम्हें दशरथ नपति फिरत खेलत सिकारू सुमन में। घेर दाव धन तान कान तक दीन है बाण हिरन में, खाली गौ निशान कहरना छिपियो जायु सुमन में। दोस्तों महाराज दशरथ ने जब हिरण के बाण मारा, निशान खाली चला गया, वो मृग जाकर के झाड़ी में छुप गया। इधर क्या हुआ? अब देश नपति चौतरफा पंचो निगार अरे घुमाई, लेकिन घायल हिरणा भी को नाई जो पर दिखाई। लीलाधर की लीला बड़ी विलक्षण है, हिरण तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एकदम तूफान आ गया, इतनी आंधी आई है कि अंतरिक्ष में धूल सूर को छुपा बैठी, अंधेरा सा कुछ आ गया। इधर क्या हुआ दोस्तों? गई धूर पूर चौर अंधेरो छायो, इत श्रवण नीर भरने सरवर पे आओ। महाराज कमंडल जाई दुबाओ ताल, और चौक पड़े के संग शब्द सुन कौशलपुर भूपाल। जो उसने कमंडल को जल में डुबाया, महाराज अवध नरेश चौंक पड़े। लेकिन एक बात और बताऊं, एक तो श्रवण के वस्त्र हैं पीत हाय बरन के, दूसरे पीठ पर बिखरे बारे अरे तुम तो जतन के। नव रहा कुमार
कारण जल पात्र भरन के तो हूबहू दूर से देखे तुल हिरण के। इधर वो झुका है इधर बाल गर्दन पे पीले वस्त्र है तो हूबहू दूर से नजर आया कि जे हिरण है। महाराज जान मग दियो तान नप बान ओ सन सनात सरगाओ श्रवण के धसो हृदय दरम्यान। भैया राम राम के राम पूत धरती पे गिरियो है। यारो राम राम के राम लला धरती पर गिरियो है। भैया राम राम के राम पूत धरती पर गिरियो है। बाण सनसनाता हुआ बेटा की छाती में धसा राम राम कह करके कमंडल छूट गया और सिरवर कुमार पछाड़ खा के गिर पड़ा। जो दशरथ ने आवाज सुनी एकदम से शिव शिव कहते हुए दशरथ पास में आए और जो देखा सिरवर कुमार के ऊपर दशरथ महाराज गिर पड़े और कहने लगे हाय ये क्या हुआ सिरवर, मैंने तो अपने भांजे का वध अपने हाथों से कर दिया। और लिपट कर रोने लगे तो उसी समय सिरवर कुमार महाराज दशरथ से कहने लगा मामा जी धीरज धरो कब न हेतु पछतात लिखी विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे हाथ। आप क्यों रो रहे हो मामा जी, विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे हाथों से लिखी है। जो कुछ लिखी विधि सो भई हो तब बिता बलिबान है। खेचो हृदय से बाण अब निकलन चाहत मेरे प्राण है। करके कृपा तकलीफ इतनी और मामा उठाइए। माता पिता प्यासे मेरे जा करके जल को पिलाइए। हे मामा हमारे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जाकर के पानी पिला दो। दशरथ कहने लगे कहां है मेरी बहन, कहां है मेरा बहनोई। दक्षिण दिशा बट के बिटपू प्रत्यक्ष बहा दिखा तू है। कामर टंगी एक तहां परुताई में मेरे पितु मातु है। लेकिन मामा जी एक बात और कहूं, पहले उन्हें जल पिला पीछे भेद मेरो खोलियो। जब तक न जल पीले बेमुख से न मामा बोलियो। जब तक वो पानी न पीले तब तक अपने मुंह से मत बोलना अन्यथा वो पानी नहीं पिएंगे। सुनत श्रवण के वचन को दशरथ हुए अधीर। पुनि जन कुछ करके करो खेचो उर से तीर। छाती तन कालो तीर एक ही चकी बेटा को आई रे। को आई रे
तो गले में ललाने वापस दई जाई रे। याद रखना दोस्तों, महाराज दशरथ के गले में बांह डाल दी श्रवण। मामा भागो मात पिता को न पानी सको पिवाई रे। ऐसो पापी अंतिम समय गोद में मर जाना रे। अगर मेरा सर मेरे माता पिता की गोद में होता मैं मरता तो मेरे हृदय में बड़ी तसल्ली होती। मामा मामा नो, मामा मा, आ, मामा ओ मामा जलती से उनको पानी दियो पिवाई रे। अंतिम प्राण अंतिम प्रेम प्रणाम मात और पिता से कहियो जाई रे। इतनी कह के आज सतवादी गौ सुर लोक सिदाई रे। एक और ढोलक गाओ सरबा को आधार गिरो भेलाई से। याद रखना दोस्तों, इस तरह से सुरवर कुमार का प्राणांत हो गया। दशरथ अपने भांजे की लाश पे फपक फपक के रोने लगे। बहुत देर तक मुंह पे मुरक के रोते रहे। पुनः उन्हें अपने कर्तव्य का ख्याल आया। श्रवण की लाश अपनी पगड़ी से ढांक दी। कमंडल में जल भरा। अंधे बहनों अंधी बहन के लिए चले। सोचते जाते हैं क्या कहूंगा मैं। अगर मैंने पहले बता दिया कि श्रवण मर गया तो बहन बहनों ही पानी नहीं पी सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया। के सब जल प्याऊ उन्हें रे सो तुए दिल में भानी। बिन बोले कैसे हुए रात थोड़ गुजर दो अरे हमारी। क्या कहूंगा मैं। हाय देव महा मुश्किल में अटके प्राण। ओ अभिलाक अभिलाष मेरी पे तूने कर दे ले ध्यान। अब सांप छचुंदर की गति हुई आई लीली जाए नहीं उगली जाए। आज सतवादी बिलखत बिलखत बटके वृक्ष ते पहुंचो जाए। कितनी दूर पे ताल कन्हैया तू
तूने तो लैया तेर लगाए। समय दशरथ पहुंचे, पेंचर पा करके वो चंद्रकला कहने लगी, बेटा ये ताल कितनी दूर पे था जो तूने इतना वक्त लगा दिया। लेकिन दोस्तों दशरथ ने अपना बोल नहीं दिया और कहा, बेटा कितनी दूर था ये? कमंडल आगे करके कहा, एकदम से माता पिता कहने लगे, हूं के अलावा दूसरी बात क्यों नहीं कह रहा है तू? उद्धार ऋषि कहने लगे, तू हूं कर दे तू जल, मौन रहो है साध, ऐसो हम पर कन्हैया बनो कहा अपराध। सिर्फ हूं कर रहा है तू? बेटा मैंने तुझे बड़ा परेशान किया, अब की बार तू मुझे क्षमा कर दे। मुझे कितनी भी प्यास लगेगी मैं तुझसे प्यास की नहीं कहूंगा। बेटा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं जानता हूं कि तपती हुई दोपहरी में तेरे पैरों में फफोले पड़ गए होंगे, तू सरोवर पर गया तो कांटों से तेरे पैर छलनी हो गए होंगे, लेकिन तू अब की बार मुझे क्षमा कर दे। दोस्तों और क्या कहा, बोले न तो तेरी कसम, साची मेरो करतार है, मरनो तो अंगीकार है, जल पी बनो अधिकार है। मर तो जाऊंगा सिरबन, अगर तू बोलेगा नहीं तो पानी नहीं पी सकता। मेरे दोस्तों अवध नरेश के पैरों के तले धरती खिसक गई। एकदम से उन्होंने खकारो, मानो आवाज उनकी दब रही हो, खांसी में भी परिवर्तन आ गया। मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं खांसता था। सिरबान सिरबान बोलता क्यों नहीं? सिरबान दोस्तों जो चीखे दशरथ पर नहीं रोका गया, कहने लगे, अरे सिरबान सिरबान क्यों करके तुम तो रहे हो दो पुकारी। सिरबन सो भान जो दो है पापी दशरथ ने हाय मारी। मेरी बहन अरे भान जो हमने मारो और मामा के हाथन से हाय बू मारो बिचारो है। भैया सुन दशरथ के बोले है कला दोनों ने लियो, भैया सुन दशरथ के बेन जमीन पे दोनों गिरिए हैं, दोनों गिरिए हैं कामल से नीचे गिरिए हैं। यारो सुन दशरथ के बेन जमीन पे दोनों। यार रखना दोस्तों, जो ये शब्द सुने एकदम से अंधी और अंधा पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़े। चंद्रकला ने कहा, क्या हालत हुई है उस मैया की? छाती घूसा मारी करो, रोई उठी किलकारी, हाय वीर दशरथ तने बादर डारे मार। ये क्या किया तूने? मेरे बेटा को मार दिया, अब मेरी नाव को किनारे कौन लगाएगा? भैया रो करके दशरथ ने बहन बहनोई के पैरों में औंधा डाल दिया। ए बेना रो बे मती,
रोने से क्या होई, अब काऊ बिदला दिलो लला मिले ना तोई। अब क्यों रोने हो तो? छोड़ निरादाई बनिया और स्वार को अधिकारी, और पानी पिवाइया रमियो है तू रोई रही बहन प्यारी। मेरी बहन हमारी छाती फट रही है, ओ जलती पीले नीर पलक तो बरसम कट रही है। भैया इतनी के दशरथ ने मूड धरती पे दे मारो, भैया इतनी के राजा ने के सिर धरती पर दे मारो, भैया इतनी के राजा ने शीश धरती पर दे मारो। मेरे याद रखना दोस्तों, महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े, अब तो अंधी और अंधा दोनों बिलखने लगे। बेटा छोना हमें किस पे छोड़ा तेने, मेरे तोता जबा को हिला तो सही, ये कन्हैया तू मैया की गोदी में आ। ओ कन्हैया तू मैया की गोदी में आ, जरा दिल को दिलासा दिला तो सही। तेरे माता पिता दोनों भूखे पड़े, लाग बन फर बनी से खिला तो सही। लाला सोचो तो कब से प्यासे हैं हम, हमें उठ करके पानी पिला तो सही। बेटा महाराज दशरथ कहने लगे, वो यहां कहां है जहां तुम उसे बुला रही हो, वो तो यहां से दूर है। जवाब दिया तो हमें ले चलो। उसी वक्त वहां पहुंचे और बेटा श्रवण की लाश पे मारोने लगी और महाराज दशरथ से कहने लगी, यही मेरे कर्म में लिखा था। जो कर्म में लिखा सो दिखाया प्रभु, इस मुसीबत से जल्दी छुटाओ हमें, लाके लकड़ी चिता पर लिटाओ इसे, और बराबर में जल्दी सुलाओ हमें। फिर लगा आग दुनिया से कर दो विदा, संग बेदा के सुरपुर बैठियो हमें, जो करो ये न तो हम तुम्हें श्राप दें, है इसी में भला तुम जलाओ हमें। हे महाराज दशरथ, अब तो भलाई इसी में है कि तुम बेटा के साथ में हमें जला दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोस्तों, डर के मारे उसी समय उन्होंने आग का प्रबंध किया, और जिस समय श्रवण को जलाने के लिए आग का प्रबंध किया है, तो अंधी और अंधा भी अपने बेटा को गोद में लेके बैठ गए। जब आग जलने लगी है दोस्तों, तो उसी समय महाराज दशरथ की याद करके दोनों भड़क गए, अंधी और अंधा श्राप देने लगे। त्याग
तन अपना हमरे कुमार गोद में, तुम कुमार के बिरह में मरोगे न पतु। है समय मरती सन्मुख हमारा, तने तुम दरस तक न सुत के करोगे न पतु। जैसी करनी हमारे करी साथ में, सो नतीजा जवारो भरोगे न पतु। जैसे मरते हैं हम दोनों सुत शोक में, तैसे सुत शोक में तुम मरोगे न पतु। चंद्रकला उद्धान ऋषि मृत श्रवण के संग, स्वर्ग सिधारे चार निज योगा नल में। इस तरह से महाराज उद्धान ऋषि और चंद्रकला दोनों श्रवण के साथ जल गए। श्राप दे दिया महाराज दशरथ को,